एक बोल रहे हैं नीचे में छोटे से हाथ से चलेगा, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्यों का और महिलाओं का जो आज है उपस्थित हैं, मैं भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आज भारतीय सेना ने 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट के तहत महिलाओं के लिए स्टिचिंग सेंटर का आयोजन किया है, जिसके तहत आप सभी को 3 महीने तक यहां सिलाई तथा कपड़ों को किस प्रकार से बनाते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात आप सभी को नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा 3 महीने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके तहत आप आगे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी किसी भी प्रकार का आप जॉब ले सकते हैं। मेरा नाम है शौकत हुसैन, मैं मुड़ा कुलाली का रहने वाला हूं। मैं रोमिया फोर्स का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये जो आज उद्घाटन किया है, बच्चियों के कपड़े सिलने की मशीनें दी हैं उनके लिए, यहाँ ट्रेनिंग जो दी जाती है उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये काम आगे तक चले, और उसके बाद मैं दूसरी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पहले एक ट्यूशन सेंटर था तो उस पर भी ध्यान दें, और वो भी बच्चों की तालीम के लिए, कंप्यूटर सीखना है या और भी बच्चों की तालीम के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए। तो इसलिए अगर वो सिस्टम जैसे पहले चल रहा था ऐसे अब वो भी चलना चाहिए। इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मड़ा के अंदर ऐसे पसमानदे इलाके के अंदर ऐसा प्रोग्राम किया और बच्चियों के लिए मशीनें दी, उनके गुजार के लिए भी उनको रोज़गार भी दिए, और उसके बाद में बच्चों के लिए अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है। यहाँ पे मैं बच्चियों को स्टिचिंग सिखाऊंगी, इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे स्टिचिंग होगी, तो जितना मेरे से हो सकेगा इतना मैं करूँगी, बच्चियों को अच्छे से अच्छी स्टिचिंग सिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छा सेंटर है, पहले भी चलता था, बहुत अच्छा चला, अब भी चलेगा। मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उतना करूँगी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप बन जाएंगे। हाँ।